हे फ्रेंड्स, दिस इज संपदा कुलकर्णी। आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आपको पता ही है मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अब तक मैंने इतने सारे कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। सिर्फ इसमें से अभी इस वीडियो में मैं आपको डिलीट का सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, और उसके बाद वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो आपको ये पता भी है। यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है, पेरेंट नोड से उसके सभी लेफ्ट चाइल्ड के सभी लेफ्ट सब ट्री के नोड्स जो होते हैं उससे वैल्यू में कम होते हैं, और राइट सब ट्री के नोड्स उससे वैल्यू में ग्रेटर होते हैं। इस प्रॉपर्टी का ही यूज करके हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इस ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। अभी ये सारे ऑपरेशंस तो आपको पता ही है, उसमें से हम यहाँ पे देख रहे हैं डिलीट ऑपरेशन। अभी डिलीट ऑपरेशन स्टार्ट, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इन डिटेल डिलीट ऑपरेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर से इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि डिलीट जो ऑपरेशन होता है वो कंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री पे ही परफॉर्म किया जाता है। अगर बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टेड है ही नहीं तो आप क्या डिलीट करेंगे, है ना फ्रेंड्स? इसलिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री लेना है, उसके बाद ही आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी डिलीट करना है तो उसके लिए आपको सर्चिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो डिलीट करना है वो आपको सबसे पहले सर्च करना है। अगर आपको सर्चिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ। अभी सर्च तो हो गया, आपको सर्चिंग पता है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। सर्चिंग के दो रिजल्ट्स होते हैं, आइदर की फाउंड और की नॉट फाउंड। अगर फाउंड होती है तो हमें थ्री केसेस परफॉर्म करने हैं, वो क्या क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देती हूँ। अगर की नॉट फाउंड है तो डिलीट ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि की ही अवेलेबल नहीं है तो हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये तीनों केसेस पे अब हमें फोकस करना है। तो ये जो तीनों केसेस है मैंने लास्ट वीडियो में भी इन डिटेल एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं फिर से आपको यहाँ पे वो दोहरा रही हूँ। अगर हमें लीफ नोड डिलीट करना है तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अगर आपको पेरेंट नोड डिलीट करना है तो उसके लिए आपको दो केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना वो बाइनरी ट्री है और पेरेंट नोड को आइदर अ सिंगल चाइल्ड होता है और दोनों चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो अगर सिंगल चाइल्ड नोड है तो हमें क्या करना है वो हमें केस टू में देखना है, और अगर दोनों चाइल्ड नोड्स है तो हमें क्या करना है वो हमें केस थ्री में देखना है। सॉल्व एग्जाम्पल वन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी हम सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टेड बाइनरी सर्च ट्री, ये जो आपके पास अवेलेबल अभी है। तो चलो सर्च के एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम यूजर। अभी इस पे हमें रूट नोड से स्टार्ट करते हुए सर्च की को सॉरी डिलीट की को सर्च करना है, राइट? तो डिलीट की सर्च करना है इसलिए हमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हो गया आपका फर्स्ट केस, क्योंकि एट अ ग्लांस आप देख सकते हो कि 15 जो है वो लीफ नोड है, पर हमें उसको सर्च करना है, राइट? अभी आपके पास ब्रेन है इसलिए आपको ये देखते ही पता चल जाता है कि 15 जो है वो लीफ नोड है। कंप्यूटर के पास तो ब्रेन है नहीं, हमें उसको जो स्टेप्स होती है वो बतानी पड़ती है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है और उसके बाद ही वो परफॉर्म करता है जो कोई ऑपरेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो चलो सर्चिंग स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द रूट नोड। तो सर्चिंग 15 को सर्च किया, कंपेयर किया 52 रूट नोड से जो कि 15 लेस देन है, तो चलो मूव होते हैं लेफ्ट सब ट्री को। कंपेयर किया 24 के साथ, उससे भी वो लेस है। कंपेयर किया 18 के साथ, उससे भी वो लेस है। कंपेयर किया 12 के साथ,
12 के साथ कंपेयर करने के बाद अभी 12 से ये जो 15 हमारा की वैल्यू है वो ग्रेटर है, इसलिए हमने राइट सबट्री को मूव होना है। राइट सबट्री को मूव होने के बाद हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सर्च की और द करंट नोड ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि आपको नोड मिल गया है जो आपको डिलीट करना है, राइट। चलो अभी ये लीफ नोड है, लीफ नोड है मतलब कि उस पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करना है मतलब कि क्या करना है, उसके पैरेंट नोड के राइट पॉइंटर में हमें नल डाल देना है। नल प्लेस करने के बाद, कॉपी करने के बाद, असाइन करने के बाद उसका राइट चाइल्ड जो है उसका एड्रेस ऑब्वियसली वहां से रिमूव हो जाएगा। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है, वैसे ही वो सब बाइनरी सर्च ट्री से भी वो रिमूव हो जाएगा। तो चलो अभी नेक्स्ट की का एग्जाम्पल देखते हैं, वो है 65। अभी जो 65 है वो यहाँ पे एट अ ग्लांस आप देख सकते हो कि यहाँ पे है और उसको एक ही राइट चाइल्ड उसको अवेलेबल है, आइदर लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, तो हमें क्या करना है वो इस सिचुएशन में हम देखते हैं। तो चलो ये कौन सी केस में जाता है, ये जाता है केस 2 में, जो कि डिलीट नोड विथ अ सिंगल चाइल्ड। सर्च करना स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द रूट नोड, तो 52 से कंपेयर किया, 65 ग्रेटर है इसलिए राइट सबट्री में हमने मूव हो लिया। और 86 से कंपेयर किया, 86 से आपका सर्च की जो है वो लेस है, तो लेफ्ट सबट्री में मूव हो लिया। और उसके बाद ये कंपैरिजन इक्वल हो गया क्योंकि 65 ही हमारा सर्च की है। एज इट बिलोंग्स टू द केस 2, उसका मतलब है कि सिंगल चाइल्ड है, तो हमें क्या करना है, तो 65 जो है वो रिप्लेस करना है 79 से, राइट। एज इट इज 79 को उसका सब ट्री एज इट इज जैसे है वैसे ही रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, 65 का कौन सा पेरेंट नोड था, वो था 86। 86 के लेफ्ट चाइल्ड में 65 का एड्रेस था, वो रिप्लेस हमें किससे करना है, उसके सिंगल चाइल्ड नोड से। 65 का कौन सिंगल चाइल्ड था 79, तो उससे मैंने रिप्लेस कर लिया। तो ये अभी आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है वो ऐसे दिखेगा। और अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला केस। सपोज हमें 86 डिलीट करना है, राइट। 86 डिलीट करना है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है, तो ऑब्वियसली वेयर इट विल बिलोंग टू केस नंबर 3, जो कि है डिलीट अ नोड विथ बोथ द चाइल्ड नोड। अभी अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि अगर दोनों चाइल्ड नोड अवेलेबल है तो वहां पे टू वेज होते हैं टू रिप्लेस द डिलीट की विथ आइदर इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे वे वन देखते हैं, इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इस सिचुएशन इस केस के लिए आपको ट्री ट्रैवर्सल, उसमें से स्पेसिफिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 86 है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है वो आपको सबसे पहले पहचानना है, जानना है, और उसके बाद उससे आपको ये इन ऑर्डर सक्सेसर रिप्ले इन ऑर्डर सक्सेसर से आपको ये 86 दैट इज की वैल्यू जो डिलीट करनी है वो रिप्लेस करनी है। तो सर्च डिलीट की स्टार्टिंग फ्रॉम अ रूट नोड, 55 से कंपेयर किया, ग्रेटर है, राइट सब ट्री में मूव हो लिया। तो 86 से कंपेयर किया, दोनों इक्वल है तो ठीक है। अभी हमें क्या सर्च करना है, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर, क्योंकि इट बिलोंग्स टू द केस नंबर 3 जिसके दोनों चाइल्ड नोड्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करने के बाद रिप्लेस डिलीट की विथ इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, आपको पता है इन ऑर्डर सक्सेसर जो है वो 91 है, तो 91 से उसको रिप्लेस कर लिया। इसका मतलब आपको क्या करना है, 65 का सॉरी 86 का पेरेंट नोड कौन था, 52। 52 के राइट चाइल्ड में 86 का एड्रेस था। अभी आपको क्या करना है, 52 के राइट पॉइंटर में 86 के इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस दैट इज 91 का एड्रेस आपको पेस्ट करना है।
कॉपी करना है, असाइन करना है। वो असाइन करने के बाद आपका ट्री ऐसे दिखेगा, मतलब कि अल्टीमेटली आपने 86 को डिलीट कर लिया है। अभी लास्ट सिचुएशन हम देखते हैं, फिर से 86 नोड हमने ले लिया, जो कि 86 को दोनों चाइल्ड नोड्स है, लेफ्ट एज वेल एज राइट। अभी आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है सेकेंड सिचुएशन से, सॉरी सेकेंड ऑप्शन से, दैट इज रिप्लेस इट विथ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। यहाँ पे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर आपका 86 का क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। 56 से हमें स्टार्ट करना है टू सर्च डिलीट की, नहीं है इसलिए राइट सब ट्री को गए, क्योंकि 86 जो है वो ग्रेटर देन 52 है। तो 86 पे अगर हम अभी आते हैं तो ये दोनों इक्वल है, आपका सर्च की और आपका करंट नोड, ये दोनों इक्वल है, सर्च आपका सक्सेसफुल हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसको दोनों चाइल्ड अवेलेबल है। अगर दोनों चाइल्ड है तो अभी इस सिचुएशन में हम सोच रहे हैं इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के बारे में। तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या है आपका, 85 राइट। तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर सर्च करना है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर जो है वो 85 है, और रिप्लेस डिलीट की विथ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। तो 85 से आपको 86 को रिप्लेस करना है। कैसे आप रिप्लेस करेंगे, वैसे ही जैसे कि मैं लास्ट टाइम बोला था, 86 का पेरेंट नोड है 52, 52 के राइट पॉइंटर में आपको 86 का प्रेडिसेसर, उसका मतलब 85 का एड्रेस पेस्ट करना है। तो यहाँ पे 85 का एड्रेस आ गया, पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 85 जो है इस सिचुएशन में जो है वो लीफ नोड था, पर उसके अभी लेफ्ट चाइल्ड में आपको क्या करना है, जो 86 का लेफ्ट पॉइंटर था उसका वैल्यू 85 के लेफ्ट पॉइंटर में डालना है, 86 का राइट पॉइंटर जो था उसका वैल्यू आपको 85 के राइट पॉइंटर में डालना है। वो करने के बाद ही आपका जो डिलीशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा, और इस तरह से आपका ट्री आपको विजिबल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। वेरी सून मैं इसका प्रोग्रामिंग वाले कंसेप्ट भी पोस्ट करने वाली हूँ मेरे चैनल टेकटॉक्स पे, तो उसके लिए मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ टू स्टे ट्यून विथ माई चैनल टेकटॉक्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो भी आप कमेंट के द्वारा मुझे वो पूछ सकते हो। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी डिस्प्ले कर रही हूँ, उसके साथ साथ पूरा प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।